दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा, दोस्त लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भैया वीडियो री एग्ज़ाम जो हमारा हुआ है उसका जो रिवाइज आंसर की है वो कब तक आएगा। तो बिल्कुल इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और देख पा रहे हैं आप सभी पूछ रहे थे कि इतने प्रश्न विवादित, जाहिर सी बात है जितने प्रश्न विवादित थे विवादित प्रश्नों पर जो आपकी आपत्ति थी वो दर्ज करा ली गई है। आपत्ति संशोधन यानी कहा जाए उस आपत्ति दर्ज के बाद एक आपके रिवाइज आंसर की जारी होती है कि कितने प्रश्नों पर विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज किया है और आयोग कितने प्रश्नों पर आपत्ति जो दर्ज हुई है उसे स्वीकार कर रहा है। ठीक है, तो इसी से स्पष्ट होता है। तो आप ये पूछ रहे थे और ये लगातार आप सभी के बीच में जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कॉमन अंक के बारे में कहा जा रहा है कि आप सभी को इतने कॉमन अंक मिलेंगे। क्या वाकई में आप सभी को कॉमन अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा? और EWS सर्टिफिकेट के बारे में आप पूछ रहे थे, रिजल्ट आपका कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन और एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है? तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में हम जो आप कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे कि भैया हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो सर्वप्रथम हम आपको कट ऑफ के बारे में दिखाना चाहेंगे। ये कट ऑफ देख चुके हैं, हालांकि यह कट ऑफ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर देखा जाए तो हम एक ही कट ऑफ पर अपने सीमित हैं। देखिए इस कट ऑफ में परिवर्तन तभी संभव है जब आपकी रिवाइज आंसर की जारी हो जाएगी। यहां आप देखने का प्रयास करेंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी है यानी अनारक्षित वर्ग, जनरल की बात करें हम तो इनकी जो फाइनल कट ऑफ जाने के चांसेस हैं ये 210 हैं। अगला देख पा रहे हैं ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी 206, और यहाँ एससी की बात करें तो जो एससी कैंडिडेट हैं इनकी जो कट ऑफ रह सकती है वो 188 के आसपास में रहेगी। ये एससी की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ जो फीमेल कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 198, और सर्विस मैन की हम बात करें तो 170, और नीचे देख पा रहे हैं फ्रीडम फाइटर की 196। ये कट ऑफ आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ संभावित है। आपके बीच में टोटल पद भी रखे गए थे 1953, ये डिटेल्स आपको पता है। मैंने आपको कट ऑफ तो बता दिया लेकिन आपसे भी मैंने कहा ये कट ऑफ एक इस पर संभावना जाहिर की जा रही है, लेकिन मैंने आपसे कहा है आपकी जो बेहतरीन तरीके से जो आंसर की आएगी वह रिवाइज आंसर की के बाद आएगी। यह जो मैंने जो ये कट ऑफ बनाई है यह कट ऑफ लगभग 1600 अभ्यर्थियों के विश्लेषण के बाद बनाया गया है। आपकी जो पहले आंसर की आई थी उसके अनुसार अब विवादित प्रश्नों का निस्तारण होने के बाद ही ये चीजें क्लियर हो पाएगा कि कितने प्रश्न जो है विवादित थे, कितने प्रश्नों पर आपको कॉमन अंक मिले हैं। सारी डिटेल्स हालांकि आपको अगले वाले वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएंगे जब आपकी रिवाइज आंसर की आएगी। आखिरकार रिवाइज आंसर की हमारी कब तक आएगी? देखिए अगर रिवाइज आंसर की के बारे में कहा जाए तो आपको पता है कि रिवाइज आंसर के मैंने आपको बताया है कि 20 सितंबर से पहले पहले आपके बीच में रिवाइज आंसर की जो है वो जारी कर दी जाएगी। और यहाँ जो आप विवादित प्रश्नों के बारे में पूछ रहे थे कि कितने प्रश्न विवादित हैं, क्या कॉमन अंक मिल सकता है, देखिए अभी न विवादित प्रश्नों की संख्या पता है कि टोटल कितने प्रश्न विवादित हैं। वैसे जो आपत्तियाँ अभ्यर्थियों ने दर्ज किया है वो 12 से 15 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज हुई है। मैंने आपसे कहा कि अभ्यर्थी एक क्वेश्चन से बाहर होते हैं और एक ही क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है। तो प्लीज अगर आपको लग रहा है 100 रुपए की शुल्क लग रही थी, अगर आपको जिस भी प्रश्न पर लग रहा था मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि भैया आप जो है आंसर जो भी आंसर की पर आपको कंफ्यूजन्स थे सभी को मैंने आपत्ति दर्ज करने की बात कही थी। और यहां कॉमन अंक का जहां तक सवाल है, कॉमन अंक अभी फिलहाल के लिए ऐसे कोई भी चांसेस नहीं, अगर चांस बनते हैं तो बिल्कुल वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। यहां EWS के मामले पर अगर हम चर्चा करें तो जब 2018 में इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था तो उस समय की बात करें तो EWS का कोई भी प्रावधान लागू नहीं हुआ था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या EWS लागू होगा? देखिए EWS लागू होने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि अगर EWS लागू हो जाएगा तो अभ्यर्थी जो है इस मामले को लेकर कहां पहुंचेंगे, कोर्ट पहुंचेंगे और भर्ती प्रक्रिया आपकी ठप हो जाएगी। वैसे भी 2018 से आज तक पेंडिंग में चली आ रही है, किसी तरह से परीक्षा हुआ और अगर फिर से मामला कोर्ट में गया तो मामला वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है,
इसलिए ईडब्ल्यूएस लागू तो नहीं होना चाहिए, बट अगर लागू होता है तो फिलहाल देखा जाएगा। जो नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान है, नॉर्मलाइजेशन के प्रावधान के लिए हर अभ्यर्थी सहमत होंगे, ठीक है। देखिए नॉर्मलाइजेशन में सभी का फायदा होगा, ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट का फायदा इनका घाटा ऐसा होगा, नहीं, सभी को नॉर्मलाइजेशन में एक समान देखा जाता है, चाहे आपके पहले शिफ्ट में रहा हो एग्जाम, चाहे दूसरे शिफ्ट में, चार शिफ्ट में हुआ था, सभी को एक समान कर दिया जाता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन 2018 में ना इसका प्रावधान था और ना इसका प्रावधान था, ठीक है। तो सवालों के घेरे में ये दोनों उठते हैं, फैसला आयोग को लेना है। लेकिन जो चांसेस नजर आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि 2018 में प्रावधान ईडब्ल्यूएस का नहीं था, ठीक है। अब रिजल्ट आपका कब तक आएगा, मैंने आपसे बताया है कि जो रिजल्ट के चांसेस हैं वो अक्टूबर के लास्ट तक और नवंबर के सेकंड वीक तक आपके बीच में रिजल्ट घोषित हो सकते हैं। चांसेस हैं कि अक्टूबर में ही रिजल्ट आपका आएगा, जो है सॉरी नवंबर में ही आपका रिजल्ट आएगा, उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर इस तरह की कोई भी बातें होती हैं तो बिल्कुल चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। यहाँ जो मैंने कट ऑफ बताई है आप देख पा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी अगर किसी भी भर्ती का कट ऑफ निर्धारण कर रहा है तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ तो वो दे रहे हैं लेकिन सभी को एक समान समेटते हुए चल रहे हैं। जनरल और ओबीसी को एक समान देख रहा है, एससी और एसटी को जो है लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि हमने डिफरेंस तो 4-5 नंबर का कर दिया है, बट अब देखना यह है कि यूपी ट्रिपल एस सी किस तरह से कट ऑफ का निर्धारण करती है। अब कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा रिवाइज आंसर की आने के बाद, आप 20 तारीख तक वेट करिएगा, आपके बीच में रिवाइज आंसर की जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।